बच्चों बॉन्ड टाइप चल रहा था ना क्या चल रहा? एक मिनट इसमें देख लेता हूँ। सर आयोनिक कैरेक्टर हाँ कितना हो गया इतना वो मैं देख लेता हूँ। तो हमने हीटिंग इफेक्ट, अच्छा मैंने लिथियम प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट आएंगे, दैट आई हैव डन राइट। यस सर। सर आपने ऑर्डर लिखाया था LIX NX का यानी कैरेक्टर का। राइट 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 नेक्स्ट ओके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखा था और एल आई का सबसे ज्यादा होगा है ना। तो अब देखिए भाई, लिथियम हैलाइड्स अगर बात करें, LIX, दे आर सिग्निफिकेंटली कोवेलेंट और एक्सेप्ट LIF, LIF इज आयनिक इन नेचर बिकॉज ऑफ भाई लो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एफ माइनस एंड भाई सिग्निफिकेंटली कोवेलेंट है तो इसीलिए भाई सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, भाई THF, ईथर्स, DMSO एक्सेट्रा ठीक है। और अगर भाई LICL और NaCl, मतलब भाई मैं एक छोटा सा नोट ही लिखवाता हूँ इसमें कि भाई लिखिए कि लिथियम क्लोराइड कैन बी भाई आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप वन क्लोराइड्स, लिथियम क्लोराइड कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप वन क्लोराइड्स बाय डिसोल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बाय डिसोल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज LICL विल बी सॉल्युबल, एज LICL विल बी सॉल्युबल whereas other group 1 chlorides whereas other group 1 chlorides will precipitate will precipitate ठीक है। और भाई इसके अलावा कोवेलेंट नेचर MF, MCl, MBr, MI, एम इज नॉट लिथियम, मतलब लिथियम भी सही है लेकिन कुछ और रीजन से, इसीलिए जो बाकी के लिए जो फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड है भाई दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट आयोडाइड्स आर भाई मोर कोवेलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये जल्दी जल्दी करिए बेटे। डन सर। हटा दो।
अब देखिए भाई, हमने कोवेलेंट कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर की बात कर ली। अब हम लैटिस एनर्जी, भाई यूजुअली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल आयन। भाई नीचे जाएंगे तो मोस्टली इंक्रीज होगा, क्योंकि कैटायन क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और जैसे LIF, LiCl, LiBr और आई में भाई ये ऐसे होगा, या भाई हम ऐसे कर सकते हैं LIF, NaF, KF, RBF, CSF, इसमें ये मतलब अगर एक ही हैलाइड लूँ, कैटायन चेंज कर रहा हूँ, ये आ गया। और अच्छा लग रहा है, ब्लैक से लिखते हैं। इसके बाद देखिए भाई, मेल्टिंग पॉइंट्स है, और बेटे मतलब ये तो प्योर रट्टा है, मतलब इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखूँगा भाई, NaX, KX, RBX, CSX एंड LIX। X is क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए ऑर्डर ही होता है। NaF, KF, LIF फ्लोराइड के लिए होता है, और आयोडाइड के लिए ये होता है। बेटे देखिए प्लीज जल्दी जल्दी लिखिएगा, मतलब जस्ट यस डन सर, डन सर, डन। थैंक यू। और भाई मेल्टिंग पॉइंट क्या, अब सॉलिबिलिटी पे आते हैं। तो सॉलिबिलिटी भाई, ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप वन कंपाउंड्स, बताए भी ये पहले, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, आर वाटर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं सिलेबस को ना बहुत रश करने के लिए क्या कर सकता हूँ, जितनी भी जनरल प्रॉपर्टीज है सारी छोड़ सकता हूँ जो करी है। तो कभी ना कभी आपने बॉन्डिंग में करी होंगी, पीरियोडिक में करी होंगी, बट मैं वो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए मतलब मैं भी आपके बेनिफिट के लिए थोड़ा एक एक्स्ट्रा स्टेप ले रहा हूँ, तो आप भी एक एक्स्ट्रा स्टेप लीजिएगा, जल्दी जल्दी करिएगा, है ना। आप कर भी रहे हैं डेफिनेटली। तो लेट्स कंटिन्यू। ऑलमोस्ट ऑल ग्रुप वन कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल। और सॉल्युबिलिटी ट्रेंड की अगर बात करें तो विद स्मॉल एनायन हमने एक केस देखा था, क्या था बताओ जल्दी से, याद है किसी को? स्मॉल एनायन मेरे डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और इसमें भाई क्या लिख दिया मैंने, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस और इसमें डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। और भाई करिए मैं कुछ ट्रेंड्स लिख रहा हूँ, सारे तो नहीं लिखूंगा, देखिए यहाँ पे क्या होता था भाई, LiOH सबसे कम होगा, ये ज़्यादा होगा, फिर यहाँ पे लार्ज एनायन आ गया। इसमें एक्सेप्शनल ऑर्डर था भाई, हाइड्रोलिसिस से बताया था, अभी बात नहीं करूँगा, ये आ गया। ऐसे ही एन बाई कार्बोनेट में एक्सेप्शनल ऑर्डर था भाई, NHCO3, KHCO3, RBHCO3 और CSHCO3, ठीक है, ये आ गया। और भाई LIH,
CO3 बताया था सॉलिड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करता, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इन जनरल M2CO3 is more soluble than MHCO3 due to higher extent of hydrolysis. भाई लोगों done sir. अब यार इनमें देखिए थोड़ा डिफरेंट ऑर्डर है, इसमें तो कुछ नहीं है। ये हैलाइड्स में फ्लोराइड और ब्रोमाइड सिंपल होते हैं और आयोडाइड में अलग है, ये याद रखना पड़ेगा यार, इसमें कुछ नहीं कर सकते बताओ ना। तो ऐसे अभी कॉन्शियसली पूरा रट्टा मत मारिएगा, ठीक है। जो जनरल है वो कम से कम पहले याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, मतलब हमने बेस सॉलिबिलिटी कर ली, हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए पहले है एक्शन ऑफ एयर, बट एयर हैज टू कंपोनेंट्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दोनों के साथ देखें। तो अब देखिए भाई पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म Li3N और रूबी रेड कलर ड्यू टू LMCT। आयनिक नाइट्राइड है, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा लेकिन आयनिक नाइट्राइड है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो LiOH और अमोनिया रिलीज होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। और बाकी के ग्रुप वन मेटल्स जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके M3N नहीं देते हैं, बल्कि अगर इनको नाइट्रोजन के साथ हीट करा जाए तो MN3 देते हैं। और MN3 क्या है, एजाइड सॉल्ट वे N3 माइनसेस वे लार्ज एनायन, एंड वे MN3 जो होगा दे आर स्टेबलाइज्ड बाय लैटिस एनर्जी फैक्टर। लार्ज एनायन लार्ज कैटायन याद है, लैटिस एनर्जी फैक्टर्स बच्चों। डन सर। Noted sir. Noted. Good. अच्छा अब हमने इसकी बात कर ली, नाइट्रोजन की बात कर ली। विद ऑक्सीजन देखिए लिथियम प्लस O2 फॉर्म्स Li2O मोनो ऑक्साइड, ठीक है। और भाई ये भी स्टेबलाइज बाय लैटिस एनर्जी फैक्टर्स, क्योंकि प्लस टू और माइनस टू चार्ज है, ठीक है। और ठीक है, ये होगी बात। और यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ Li2O2 परऑक्साइड भी थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो लिथियम के साथ अगर हम भाई लिथियम को एयर में हीट करें तो क्या आ रहा है, Li2O, Li3N और Li2O2 को ट्रेसेस। अगर सोडियम को आप देखिए भाई, नाइट्रोजन से तो कुछ होना नहीं है, तो भाई ऑक्सीजन के साथ ही करेगा, तो फ्रॉम एयर अगर इसे हीट करें तो बेटे ये JE एडवांस में आ चुका है, Na2O नहीं आता है, यहाँ पे Na2O2 आता है बस, और बहुत थोड़ा बहुत सुपर ऑक्साइड आएगा तो आएगा। तो भाई सोडियम देखिए क्या बना रहा है, परोक्साइड। अगेन ये भी मैं लिखवाऊंगा कि परोक्साइड सुपर ऑक्साइड ये भी लैटिस एनर्जी फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहे हैं, बट यहाँ पे चार्जेस नहीं है तो ज्यादा, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर की वजह से इफेक्ट आएगा। और दूसरे जो है M+O2
They mainly form superoxide. M is potassium, rubidium and cesium. ठीक है, ये बात हमने करी. और भाई मोनोऑक्साइड अगर पूछा जाए किसके लिए एग्जिस्ट करती है, तो मोनोऑक्साइड सभी के लिए एग्जिस्ट करती है. ऑल फॉर्म्स स्टेबल मोनोऑक्साइड. और भाई परऑक्साइड्स अगर बात करा जाए तो लिथियम प्लस का बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है. एन ए प्लस, के प्लस, आर बी प्लस, सीजियम प्लस सब के लिए आएगा. और सुपर ऑक्साइड्स अगर बात करी जाए तो सोडियम प्लस का बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है. के प्लस, आर बी प्लस और सीजियम प्लस का स्टेबल है. बच्चों आंसर पहले ऊपर वाला. यस बेटा, नॉट सर. एलआईएक्स इंडिविजुअल N2 एंड O2 वो भी हीटिंग के बाद में रिएक्शन देंगे कि एयर में पड़े पड़े ही हो जाएगा रिएक्शन? बेटे O2 से तो एयर में मतलब रखे हुए हो जाता है. मैंने आपको बताया भी था कि मेटालिक लस्टर टार्निश हो जाता है. यस सर, यस सर. नोटेड सर. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंपाउंड इसलिए मिला क्योंकि एयर में ज्यादा का नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है ना. क्या नाम आपका बेटा? सर नील. नील, हाँ. यस बेटा, तो ओके, थैंक यू बेटा. अब देखिए भाई, ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड एनायन ये होता है भाई, स्मॉल एनायन, हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, स्टेबलाइज्ड बाय कैटायंस ऑफ हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मोस्टली. ठीक है, और भाई इसके अलावा O2 माइनस सुपरऑक्साइड और परऑक्साइड दे आर भाई लार्ज एनायंस, लो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एंड स्टेबलाइज्ड बाय लार्ज कैटायंस ड्यू टू लैटिस एनर्जी फैक्टर्स. ठीक है, तो ये हो गया O2 माइनस और O2 माइनस टू का. और भाई दे आर ऑल ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. और भाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर अगर हम बात करें तो KO3, KO2, K2O2 और K2O, ये ओजोनाइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, वो पर ऑक्साइड एंड ऑक्साइड है. भाई मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग और ये तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग. तो हम जनरल ऑर्डर कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, इन रेस्पेक्टिव ऑफ कैटायन, ओजोनाइड, फिर सुपर ऑक्साइड, फिर पर ऑक्साइड और सबसे कम ऑक्साइड. आप समझ रहे हैं? और ओजोनाइड का बेटे सबसे ज्यादा इसलिए कि माइनस वन बाई थ्री एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. ऑक्सीजन जो होता है तो उसका फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? माइनस टू होता है. बच्चों कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा, जहां पे भी कोई अच्छा रीजन होगा मैं जरूर बताऊं. सर अब एक टाइम ओजोनाइड का स्ट्रक्चर बना सकते? नहीं बेटा, मतलब मैं नहीं बना सकता क्योंकि नोन नहीं है.
ओके सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइट दोनों का स्ट्रक्चर नॉन ही सो ओजोनाइट में सिर्फ पोटेशियम का ही है पोटेशियम रुबिडियम सीजियम तीनों का होता है बच्चों उठा दो ये बचा तो नहीं है हमारा पार्टिकल तो 1 मिनट ठीक है हम देखें ये अगर हम ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट देखें Na2O2 इस बैच का हमारा लेजेंड कौन था हाँ सर हूँ ना क्या नाम था मैं भूल गया श्रेयान सर श्रेयान हाँ कैसे हो बेटा ठीक हूँ सर आप बताओ बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया थैंक यू तो चलिए ऐसे मैं भूल जाता हूँ तो यूज फॉर बेटे देखिए यूज फॉर एयर प्योरिफिकेशन भाई इन स्पेसशिप्स और तो श्रेयांस मतलब जुपिटर से आते हुए मतलब ये मिला था क्या होता ऐसा कुछ देखा था क्या सर कुछ नहीं बेटे चलो मजाक करो तो खैर एनीवेज बच्चों देखिएगा वो तो मैं मजाक करता हूँ कि बेटे परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जो होते हैं KO2 लिखना चाहता था मैं Na2O2 KO2 they are used for air purification in spaceships or astro ships or submarines और उसका रीजन होता है बेटे ये CO और CO2 के साथ कंबाइन करते हैं CO और CO2 और यहाँ से Na2CO3 यहाँ पे दोनों में K2CO3 यहाँ पे O2 और यहाँ पे O2 तो देखिए CO CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं और O2 रिलीज कर रहे हैं भाई एयर प्योरिफिकेशन के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा भाई Na2O2 एंड KO2 डिसॉल्व्स सो दैट्स KO2 राइट हां बेटे KO2 बिल्कुल हां PPTA ऑफ क्रोमिक हाइड्रोक्साइड green PPTA of chromic hydroxide to give yellow colored chromate by Na2O2 plus CROH whole thrice Na2CrO4 yellow aqueous solution KO2 plus this K2CrO4 iska bhi yellow aqueous solution likh lijiye bachcho done सर Na2O2 प्लस CO में CO2 इवॉल्व नहीं होता सॉरी O2 इवॉल्व नहीं होता नहीं बेटा नहीं होता इसीलिए नहीं लिखा है ओके सर हाँ बच्चों उठा दो नोटेड सर ओके और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसको Na2O2 MnO2 को भी डिसॉल्व करता है MnO2 पायरोलिसाइट ओर ऑफ मैंगनीज Na2MnO4 और MnO4 -2 और इसको अगर क्लोरीन से ऑक्सीडाइज करते हैं तो Na MnO4 और Cl- आ जाता ठीक है तो अब देखिए हमने ये बात करी परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद एयर की अब देखिए ज्यादातर मतलब मोनोऑक्साइड नहीं आ रही है तो यहाँ से एक इशू आता है कि मोनोऑक्साइड कैसे बनाई जाए क्या किसी को कोई भी आइडिया है बाई चांस मोनोऑक्साइड कैसे बनाई जाती है नहीं हाँ कोई दिक्कत नहीं है देखिए प्रिपरेशन ऑफ सर हीटिंग देयर कार्बोनेट्स वेरी गुड बेटा ये गलत है बेटे कार्बोनेट्स पर थर्मली स्टेबल सिर्फ लिथियम के लिए वर्क कर सकता है तो आप रिड्यूसिंग एजेंट्स बेटे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बच्चे वो नहीं पता सर बेटे बहुत बढ़िया आपने अच्छा एजुकेटेड फ्लूक बोलते हैं बेटे इसको तो देखिए बाय रिडक्शन ऑफ
NO2 minus or NO3 minus salts by metallic sodium. मैं sodium की बात कर रहा हूँ जब Na2O बना रहे हैं और M, मतलब मैं basically कह रहा हूँ NaNO2, NaNO3, MnO2, ग्रुप वन का M है और ग्रुप वन ही मेटल से कर रहे हैं MnO3, सेम मेटल से, तो सोडियम से रिड्यूस करते हैं बच्चों. और भाई यहाँ पे Na2O, यहाँ पे M2O और सब में नाइट्रोजन इवॉल्व होता है. तो ये लिख लीजिए बच्चों जल्दी से. नोटेड सर. नोटेड, ठीक है. तो ये हो गया भाई मेटल ऑक्साइड बनाने का तरीका एक. और दूसरा होता है फालतू मेथड वैसे तो बाय पबलिंग O2 स्लोली इन देयर अमोनियकल सॉल्यूशन. तो अमोनियकल सॉल्यूशन में ग्रुप वन के क्या होता है कुछ पता है बच्चों? बर्च रिएक्शन के टाइम में बताया गया था क्या? भाई बताओ. भाई ठीक है, मतलब बताया क्या होगा? आई डोंट नो, मतलब मैं तो बर्च रिएक्शन टाइम में करा देता हूँ. तो भाई M plus O2 goes to M2O, मतलब अमोनियकल सॉल्यूशन से O2 slowly bubbled. और अब देखिए एक्शन ऑफ एक वाटर आता है. तो एक्शन ऑफ वाटर में तो हमने भाई अच्छे से पहले कर लिया था, मतलब अगर आप कहा तो नीचे जाते हैं तो रिएक्शन ज़्यादा वायलेंट होता जाता है ऐसा बताया था एनॉल, है ना, मतलब एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं H2O के साथ भाई MOH और H2, काइनेटिकल रीजन से रिएक्शन ज़्यादा मतलब फास्ट दिख रही है, बट एनर्जी रिलीज लिथियम के लिए सबसे ज़्यादा होता था. तो रेफर टू H2O इन हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स. और भाई अब उसके बाद एक्शन ऑफ एसिड पे आएंगे. और भाई एल्कली मेटल्स रिएक्ट्स विद वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट एसिड, वीकेस्ट एसिड जस्ट हैविंग प्रोटिक एच, मतलब भाई प्रोटिक एच होना चाहिए. प्रोटिक एच के बारे में बात कर लेंगे हम. तो ये क्या होता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन यहाँ से भाई डिस्चार्ज होता है. पार्टिकल्स मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा रिएक्शंस डिटेल में. सर एक सिली डाउट है. सो वीकेस्ट एसिड के साथ रिएक्ट क्यों करता है, ऐसा क्यों? अरे स्ट्रॉन्ग के साथ भी करेगा भाई, वीकेस्ट के साथ कर रहा था ये थोड़ी. सॉरी सर. भाई वीकेस्ट के साथ कर रहा तो स्ट्रॉन्गर के साथ भी करेगा ना, मतलब ऐसा थोड़ी है स्ट्रॉन्ग के साथ नहीं करता. जब वीक के साथ करा तो स्ट्रॉन्ग के साथ ऑटोमेटिकली करेगा मिस्टर दोस्त. ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर. भाई लोगों पेंस है एक छोटा सा नोट लिख दीजिए भाई कि ग्रुप वन मेटल्स रिएक्ट्स instantly with all compounds having protic H.
देखिए भाई वीकर एसिड्स मेरा होता है, जैसे मतलब टर्मिनल का ही ले लें, बहुत वीक एसिड होते हैं, पीके 30-25 की रेंज में होता है, 25 बहुत कम है भाई। साइक्लोपेंटाडाइन भी बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोकार्बन्स में, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं है भाई। एच एक्स वगैरह के साथ तो करेंगे कुल मिला के एच ए, और देखिए बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, जी ओ सी में भी मतलब करी जाती है। एम ओ एच यहाँ पे भाई, यहाँ पे आर ओ माइनस एम प्लस एम एस एच, आर एस माइनस एम प्लस, पी एच ओ माइनस एम प्लस, आर सी ओ माइनस एम प्लस, आर एस ओ थ्री माइनस एम प्लस। सॉल्ट बनेगा बस सबके साथ, एनायन के साथ, और हाइड्रोजन रिलीज होगा भाई। एम प्लस यहाँ पे, एम एक्स यहाँ पे, एम ए, और भाई सब जगह क्या होगा, हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। अच्छा बाटी, कोई दुख या दर्द तो नहीं है? आपने एच के ऊपर क्या लिखा है सर, वो एच ए में एच के ऊपर दिखाइए। पार्डन सर, पोलैरिटी डेल पे सर। ओ हाँ भाई, क्या कहते हैं? डन सर, नोटेड सर। अब एक्शन ऑफ बेस में क्या होगा? बोलिए। ये देखिए बेस का ऑक्साइड बनेगा, बेस में कोई नो रिएक्शन। अच्छा इससे पहले देखिए मैं ये बताता हूँ कि प्रोटिक कौन सा था भाई। एच अटैच टू एक्स और ओ और एन और सल्फर इज ऑलवेज प्रोटिक एच, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्लस आ जाएगा। और एच अटैच टू कार्बन इज अप्रोटिक एक्सेप्ट इन कौन कौन से केसेस बताइए? ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से लगा एच प्रोटिक होता है। और बोलिए सर, वही वही बहुत बड़ा एनायन इज, हां एनायन इज आयन सर, एक्टिव मिथाइल। आपने सही पढ़ा है, नहीं, नहीं पढ़ पाए, पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए। अरे नहीं समझ, समझ गया अरे साथ हीरो। एच ऑफ एक्टिव मिथाइलिन और भाई एच हूज रिमूवल इंपार्ट्स एरोमेटिसिटी। साइक्लोपेंटाडाइन एनायन, हां बेटा बताओ, यही मैंने कहा है कि क्योंकि एरोमेटिसिटी इम्पार्ट करें, ये हो गया, ये बहुत सारे हैं, मतलब मैं एक तो क्या बताऊं, तो ये हो गया एक्सेट्रा। पार्टिकल्स ऑल इज वेल। तो एक्शन ऑफ बेस में कुछ भी नहीं है बेटे। देखिए बेस के साथ कौन रिएक्ट करता था, मेटल जिसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोट्रिक हो, तो यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो एक्शन ऑफ बेस कुछ भी नहीं आएगा, एक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आएगा। और बेटे देखिए ये हमेशा हम सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, सिस्टमेटिकली मतलब पहले भाई हाइड्रोजन के साथ, मतलब सिस्टमेटिकली जाएंगे जैसे पीरियोडिक टेबल विद हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के साथ देखिए कोई मुश्किल रिएक्शन नहीं है, एमएच आता है और एमएच क्या होता है, आयोनिक हाइड्राइड है, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी बताता हूँ इसकी, पहले ये कर लीजिए। Noted, sir.
देखिए भाई, आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में से मैंने आयनिक हाइड्राइड्स बता दिया था, बट फिर भी बेसिक स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, और थर्मल स्टेबिलिटी अगर देखें तो LiH नीचे जाने पे कम होती थी, RBH और CSH, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए विथ बोरोन बहुत सिंपल है, एम देखिए ग्रुप वन में, ग्रुप वन के साथ कुछ नहीं होगा, मतलब है ना, ग्रुप वन का ग्रुप टू के साथ भी कुछ नहीं होगा, सीधा बोरोन पे आएंगे। बोरोन के साथ M3B आयनिक बोराइड और आयनिक बोराइड HCl और H3PO4 करूँगा तो B4H10, और इसको हीट करते हैं तो B2H6 आता है, ठीक है। यही बोरोन गया, एल्यूमिनियम वगैरह के साथ कुछ नहीं है, विद कार्बन सोर्स ऑफ लाइफ, कार्बन के साथ आयनिक कार्बाइड्स मोस्टली C2 कार्बाइड्स, Na2 C2 K2 C2 हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या आएगा, इथाइन आ जाएगा। Noted, sir. Thanks. क्या बोल रहे बेटा, हो गया ये बोल रहे लास्ट का दो रिएक्शन में देख रहा हूँ। Na2 बेटे मैं बता देता हूँ, Na2 C2 K2 से ले, जल्दी से कर दो। थैंक यू। ओके बेटे, और अब भाई कार्बन गया सिलिकन के साथ, भाई M4Si आयोनिक सिलिसाइड्स हाइड्रोलिसिस करेंगे SiH4 सिलेन, बताया था अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक अटैक बिकॉज द सिलिकन हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, सिलिकन इज पॉजिटिव ऑन अ डाइपोल, ऐसे करके कर जाते है ना, और भाई M+ फॉस्फोरस M3P2 आयोनिक फॉस्फाइड, और इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो PH3 आएगा with impurities of, इसमें बेटे P2H4 भी आता है, ज्यादातर हाइड्रोलिसिस से जब भी PH3 बनता है तो P2H4 भी मोस्टली बनता ही है। तो कई बार पूछ रहे थे प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो PH3 इज स्लाइटली बेसिक, P2H4 इज न्यूट्रल, तो करेंगे क्या, PH3 प्लस P2H4 भाई HX से कराएंगे, PH4X फॉस्फोनियम, वैसे अमोनियम होता है हैलाइड, और P2H4 तो अनरिएक्टेड है ना, अनरिएक्टेड रहेगा, और फिर इसको बेस से करा देंगे तो क्या आएगा, PH3 भाई प्योरीफाइड। बच्चा बाटी तो P2H4 अनरिएक्टेड क्यों रहेगा, बट न्यूट्रल है मतलब है ना, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ओके सर, PH3 बेसिक पर रिएक्ट कर जाएगा, तो SiH4 आपने अंडरगोस क्या अटैक लिखा अपना, N तो दिख
न्यूक्लियोफिलिक अटैक. सर एक डाउट है, PH4X और P2H4 को कैसे लाइक सेपरेट करेंगे? इसको PH4X और P2H4. भाई भाई ये गैसेस मिक्सचर है, इससे ये पास करें, ये इसका सॉल्यूशन आएगा, ये गैस. अच्छा वो ओके, हाँ समझा सर, सॉरी. हटा दूँ? डन सर. हाँ सर. और ये फैक्ट है क्या जो PH3 बेसिक है और P2H4 न्यूट्रल है? PH3 तो कम बेसिक होगा क्योंकि साइज बड़ा है, और P2H4 में हम ये कहते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत डीलोकलाइजेशन भी हो रहा होगा इसका, इसके वैकेंटी में, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, इसकी वजह से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाता है. तो आगे से आपको याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट है. थ्योरी भी है ये, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग भी है कि PH3 स्लाइटली बेसिक होता है, P2H4 न्यूट्रल होता है. चाहो तो लिख दीजिए कि भाई PH3 फॉर्म्स फॉस्फोनियम सॉल्ट विद HX, but P2H4 doesn't. अब नाइट्रोजन गया, फॉस्फोरस गया, तो विद ऑक्सीजन आ जाते हैं. और ऑक्सीजन में देखिए, ये हम ऐसे ही बात कर चुके, ऑक्साइड्स होंगे, पर ऑक्साइड्स होंगे एंड सुपर ऑक्साइड्स होंगे. ठीक है, कौन सा किसके लिए बनता है तो बताइए भाई. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स पूछ लेते हैं, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, तो ये क्या होगा, नीचे आता है तो बढ़ती है. ठीक है, इसके अलावा भाई अगर पोटेशियम ऑनवर्ड MOH के साथ कराएं तो MO3 ओजोनाइड मिलता है, और भाई तुम्हारा ये K Rb और CS के लिए, KOH के लिए बड़ा पॉपुलर भी है, JE एडवांस में आ चुका है, KO3 बनता है भाई ऑरेंज रेड. तो ये ऑर्गेनिक में आया था एक्चुअली क्वेश्चन, इन्होंने कहा था कि गैस है KOH से पास करके ऑरेंज रेड देता है, फिर उस गैस को एल्कीन से कराया तो ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन था बेसिकली, 94-96 ऐसा कुछ आया था. तो एनीवेज भाई ओजोनाइड की बात कर, ऑक्सीजन में और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये सब कुछ पहले बता चुका हूँ. ठीक है, तो अब आते हैं विद सल्फर. और ये सल्फर के साथ मतलब सल्फाइड्स बनते हैं, लेकिन सल्फाइड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल सल्फाइड्स, मोनोसल्फाइड्स M2S, और मोनोसल्फाइड्स होंगे वाटर सॉल्युबल भाई स्ट्रॉन्गली बेसिक एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस. और भाई ये अगर आपने नाइट्रो कंपाउंड में देखा होगा, यूज्ड इन सिलेक्टेड रिडक्शन ऑफ डाइनाइट्रो कंपाउंड्स, अगर नहीं देखा होगा तो पांडे जी हमारे तुम्हें ऑर्गेनिक में शायद बताएं कभी, है ना. और दूसरा सल्फाइड बनता है पॉलीसल्फाइड्स, भाई पॉलीसल्फाइड्स M2SX, और भाई जिगजैग शेप्ड एनायन, और लार्ज और वेरी लार्ज एनायन. ये कॉपी करिए, मैं एक मिनट बाद आता हूँ.
बच्चों पॉलीसल्फाइड के बारे में बताया आपको कि नहीं बताया मैंने पहले? बताया था सर जीआईसी। यस सर। ठीक है हटा दूं सर। ओके देखिए एस एक्स माइनस टू ये ऐसा होता है एस माइनस ये जितना ही ले लो एक्स माइनस टू है जितना भी लेना ठीक है भाई zigzag shape और भाई सोडियम बनाता है पोटेशियम भाई रुबिडियम सीजियम और भाई लिथियम नहीं बनाता है नो पॉलीसल्फाइड इज नोन फॉर लिथियम तो जान लेते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो रहा था भाई M2S प्लस H2O गोस टू MOH प्लस MSH बन रहा होगा या फिर S माइनस टू H2O गोस टू HS माइनस और OH माइनस एनायनिक हाइड्रोलिसिस ठीक है और भाई नेक्स्ट आते हैं एक्शन ऑफ हैलोजन्स और एक्शन ऑफ हैलोजन्स में देखिए लिथियम कंबाइन करता है X2 के साथ LIX मोनो हैलाइड बनाता है और भाई बताया था भी LIF आयनिक होते हैं और भाई LIX में सिग्निफिकेंटली कोवेलेंट और LIF क्योंकि स्मॉल एनायन स्मॉल कैटायन है तो बहुत कम सॉल्युबल होता है मतलब भाई स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर Noted, sir. Yes, sir, done. Sir, doubt the last question, sir. So, LIFB significantly covalent hoega. नहीं बेटा मैंने पहले ही बताया कि वो आयनिक होता है ओके LICL होता है कोवेलेंट अब देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आया था मतलब एक बार और लिख दे रहा हूँ कि याद हो जाए ईथर्स एसीटोन DMSO एक्सेट्रा और हाइड्रेटेड होता है LiCl.2H2O और रिलैक्सेंट पानी में डिसॉल्व हो जाता है वाटर अब्सॉर्ब करके और नहीं जा रहे थे LiBr और LII की बात करें तो इवन मोर कोवेलेंट देन LiCl ठीक है और भाई covalent nature LIF LICL LIBr LII ऐसे होगा और इसके अलावा ग्रुप वन मेटल सारी X2 MX बनाते हैं भाई मोनो हैलाइड्स और भाई
आयनिक नेचर क्या होगा भाई? एज यूजुअल LaX, NaX, KX, RbX और CsX, ठीक है? भाई इसने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉपी कर दीजिए। तो छोड़ा दो। यस सर, नोटेड सर। सर LiBr और LiM में हमने कैसे पाएंगे कौन सा बड़ा है? कौन सा? LiBr और LiM में सर। हाँ, क्या हुआ? LiBr और LiM में सर, वो हमने कैसे फाइंड आउट किया कौन सा बड़ा है दोनों में? कौन सा बड़ा है दोनों में? हाँ, हमने कहाँ कहा कि कंपाउंड में थोड़ी बड़ा छोटा होता है, मतलब सॉरी कोवेलेंट नेचर, मतलब मैं बोल रहा था LiBr और LiM। आपका नाम क्या बेटा? सर नील। नील बेटा, आपने फजान सुल नहीं पढ़ा? हाँ सर। अच्छा, ओके, उसके कारण समझ गया। वाह, ठीक है, फजान सुल रिवाइज कर लो बेटे नील, है ना, एक बार। यस सर, यस। देखिए ट्राइहैलाइड ही बनते हैं, जैसे KI में आयोडीन जो होता है एक्सेप्शनली सॉल्युबल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ KI3। इसमें क्या होता है, K प्लस I3 माइनस। ऐसे ही सीजियम ब्रोमाइड में ब्रोमीन डिजोल्व होता है CsBr3 भाई। और ये जो है वो मतलब सिर्फ पोटेशियम नहीं भाई, पोटेशियम ऑनवर्ड मतलब M कैन बी पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। और भाई जरूरी नहीं है कि मतलब सारे सेम ही हो, जैसे CsCl होता है, इसमें ICl डिजोल्व होता है CS प्लस और ICl2 माइनस आता है। ऐसे ही CSF और ICl तीनों अलग भी हो सकते हैं, CsIFCl माइनस आता है। तो भाई X3 माइनस और ट्राईहैलाइड और पॉलीहैलाइड फॉर्मेशन दे आर वेरी लार्ज anions stabilized only by large cations और भी ठीक है, इसीलिए polyhalide formation is limited to Na plus, K plus, Rb plus, cesium plus और thallium plus, right? करिए। सर आपने ऊपर लाइक M में सिर्फ K, Rb, Cs लिखा है और नीचे Na plus भी आपने लिखा है, तो लाइक Na का रिएक्शन इज वेरी स्लो आई सपोज। हेलो, यस सर, आई हैव अ डाउट। यस सर, आपने मतलब ऊपर लाइक Mi प्लस I2 के Mi3 के रिएक्शन में यू हैवंट रिटन Na एंड नीचे पॉलीहैलाइड फॉर्मेशन में आपने Na लिखा है, तो लाइक इज इट लाइक Na का पॉलीहैलाइड? बहुत कम बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते। ओके सर, मतलब रेलेवेंट पॉलीहैलाइड फॉर्मेशन वैसे पोटेशियम अनवर्ड होता है, लेकिन सोडियम का भी होता है, तो इसीलिए मैंने मतलब एक्सक्लूड नहीं करा, है ना। यस। और अगर आपको याद हो हमने देखा भी था TLi3 exist as this and not as, याद है, थैलियम के लिए। यस सर, ठीक है। अब देखिए भाई, अब आते
solution of group 1 metals in liquid ammonia. देखिए भाई लिक्विड अमोनिया या हम भाई आर एन एच टू लिक्विड या आर टू एन एच लिक्विड और आर ओ एच लिक्विड इन सभी में देखेंगे, सिमिलर ही होता है. तो देखिए अमोनिया, पहली बात अमोनिया भाई इट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. इट इज एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट भाई. उसका रीजन है कि बहुत ज्यादा एसिडिक भी नहीं है. पी के क्या है 35 है, नियरली 10 टू पावर 20 टाइम्स लेस एसिडिक देन वाटर. तो ऐसा भी नहीं है कि इंस्टेंटली रिएक्ट कर जाएगा. और भाई ठीक है, तो अब देखिए पहले मैं लिखाऊंगा एबनॉर्मैलिटीज ऑफ ग्रुप वन एंड लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन और उसके बाद भाई हम देखेंगे क्या होता है. नोटेड बच्चों एक सेकंड. यस सर डन. ठीक है भाई बच्चा बाटी. तो लिखिए कि भाई एबनॉर्मलिटीज ऑफ ग्रुप वन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन. पहला लिखिए कि भाई सॉल्यूशन इज ब्राइट कलर्ड. सॉल्यूशन इज ब्राइट कलर्ड जबकि दोनों ही कलर्ड नहीं है, अमोनिया भी और ये भी है ना. सॉल्यूशन इज ब्राइट कलर्ड इनिशियली, ब्राइट कलर्ड इनिशियली एंड कलर फेड्स अप, कलर फेड्स अप ग्रेजुअली. ठीक है. नेक्स्ट, सॉल्यूशन इज हाईली पैरामैग्नेटिक इनिशियली. सॉल्यूशन इज हाईली पैरामैग्नेटिक इनिशियली, हाईली पैरामैग्नेटिक इनिशियली एंड पैरामैग्नेटिज्म आल्सो डिक्रीजेस ग्रेजुअली एंड paramagnetism also decreases gradually. ठीक है. और next if ammonia is highly concentrated if ammonia is highly concentrated then we bracket mein likhiye 5 molar or more, 5 molar or more then the solution has bronze colored, solution has bronze color or shows metallic luster or shows metallic luster or say solution is highly conducting. Solution is highly conducting and conductivity is comparable to a
that of metals. ठीक है. कनेक्टिविटी इज कंपेरेबल टू मेटल्स. और भाई कितने हो गए? नेक्स्ट सॉल्यूशन इज हाईली रिड्यूसिंग. सॉल्यूशन इज हाईली रिड्यूसिंग. ये तो लिखवा दिया ना मैंने कि भाई मतलब क्या कहते हैं सॉल्यूशन हाईली पैरामैग्नेटिक होती है धीरे धीरे मतलब पैरामैग्नेटिक वाला पॉइंट लिख दी. ठीक है भाई. और अच्छा रिड्यूसिंग लिख दिया, कलर लिख दिया है ना. सर वो हाईली कंडक्टिंग इज फॉर हाईली कंसंट्रेटेड या इन एनी केस? इन एनी केस. और भाई ठीक है, ये तो पता लग गया आपको दाल में कुछ काला है ना. yes, अब भाई क्या काला है ये बता देते हैं. तो देखिए होता क्या है, एम अगर अमोनिया के साथ करें ग्रुप वन मेटल तो इट फॉर्म्स एम एन एच थ्री ए प्लस एंड ई एन एच थ्री बी माइनस. ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये जैसे हाइड्रेटेड होता है अमोनिएटेड भाई मेटल आयन है और ये अमोनिएटेड भाई इलेक्ट्रॉन है. तो हम कहते हैं कि होता क्या है भाई अमोनिएटेड और भाई सॉल्वेटेड मतलब यहाँ पे मेटल आयन आएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाई इनिशियली आ रहा होगा. और देखिए क्योंकि सॉल्यूशन में फ्री इलेक्ट्रॉन आता है तो इसी की वजह से क्या होता है कंडक्टिंग होता है. मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसीलिए मेटल के पास भी क्या होते हैं ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, कंपेरेबल होती है मेटल से. और भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ही कम होगी तो लो एनर्जी का कोई कंपोनेंट अब्सॉर्ब करके भाई ब्राइट कलर ब्लू कलर इम्पार्ट कर रहे होंगे. भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है इसीलिए सॉल्यूशन क्या होगी भाई पैरामैग्नेटिक होगी इनिशियली. और अब देखिए धीरे धीरे होगा क्या, ये फ्री इलेक्ट्रॉन फॉरएवर तो रह नहीं सकता भाई. ये मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पेयर्ड हो रहे होंगे एन एच थ्री बी भाई ट्वाइस माइनस टू में इस तरह से भाई. और ये मतलब डायमैग्नेटिक और भाई फाइनली मतलब क्या होगा मतलब ये जो हो गए ये एन एच टू एच इसके साथ रिएक्ट करेंगे एन एच टू माइनस और एच टू इवॉल्व हो जाएगा. बस समझ रहे मतलब अमोनिया यहाँ पे भाई क्या कर रहा है ट्रांसिटेड एसिड का काम कर रहा है. तो भाई ग्रेजुअली रिएक्शन अगर हम देखें तो क्या होगा एम प्लस एन एच थ्री पहले अमोनिएटेड भाई आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स और उससे फाइनली क्या आएगा एम एन एच टू और हाफ एच टू. जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज हैं इसकी वजह से. अब अमोनिया का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हाफ लाइफ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होगी. तो वही मेटल में जो अक्सर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटालिक क्लस्टर आता है या ब्रॉन्ज कलर आता है उसी तरह से ब्रॉन्ज कलर आने लगेगा. भाई ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी अगर बात करें तो बेटे देखिए हाइड्रेशन की तरह मतलब सॉल्वेशन ही हो रहा है यहाँ पे तो सॉल्वेशन सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है एल आई प्लस के लिए. तो भाई लिथियम जो होगा सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, सीजियम सबसे कम सॉल्युबल होगा. मैं थोड़ा सा नोट लिखवा दूंगा भाई क्या क्या हुआ. आई होप आपको समझ में आता है प्यारे बच्चों. सर जो ऑर्डर सॉल्युबिलिटी अमोनिया की सॉल्युबिलिटी है ना लाइक इन अमोनिया. इन अमोनिया ऑफ कोर्स. यस सर थैंक यू. थैंक्स. बच्चों हटा दूं? हाँ सर बता दें. ओके तो लिखिए थ्री पॉइंट लिख लीजिए थोड़ा सा कि भाई 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 ऑन मेकिंग
सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप वन मेटल एंड लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप वन मेटल एंड लिक्विड अमोनिया वी इनिशियली गेट भाई अमोनिएटेड मेटल आयन अमोनिएटेड मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट पॉइंट सॉल्यूशन इज हाईली कंडक्टिंग इनिशियली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स because of free electrons next highly reducing nature is also due to free electrons highly reducing nature is also due to free electrons next highly reducing nature is due to free electrons or free ammoniated electrons absorbs low energy component from visible region so can you repeat free ammoniated electrons absorbs low energy component from visible region low energy component from visible region free ammoniated electrons absorbs low energy component from visible region and gives bright color and gives bright colored solution from visible region no next if ammonia solution is highly concentrated then there is higher density of free electrons available with longer half life that is why with highly concentrated solution we have more density of free electrons with longer half life and that is why we get bronze or metallic luster that is why we get bronze or metallic luster in such cases theek hai aur bhai अब ये तो है ही ऑब्वियस कि सॉल्यूशन इज रिड्यूसिंग ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और भाई ठीक ही लग रहा है जाने देते हैं सर एक डाउट है सर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन से पहले क्या था पहले क्या था किसके पहले सो वो लास्ट पॉइंट में ड्यू टू दीस फ्री इलेक्ट्रॉन से पहले आपने क्या बोला था वो टर्म मिस हाई डेंसिटी ओके थैंक यू सो मच तो देखिए भाई अब मैं कुछ डाउट छोटा सा सर NH3 सॉल्यूशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब सॉल्वेट होने की वजह से ही फ्री हो रहा है सर भाई वो आयनाइज हुआ और इलेक्ट्रॉन क्योंकि अमोनिया बहुत अच्छा सॉल्वेंट है तो उसने क्या करा मतलब सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन में मिल गया मतलब जिसकी हाफ लाइफ क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन फॉरएवर तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता हाफ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होगी हाथी मेरे साथी
क्लियर है? अब देखिए किस रिड्यूसिंग रिएक्शन बता रहा हूँ, K2NiCN4 ये रिड्यूस होता है K4Ni CN4 में, यहाँ पे प्लस टू है, यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। PtNH3 ट्वाइस Cl2 पे ये PtNH3 होल 4 और भाई यहाँ पे KCl आ जाएगा, यहाँ पे भाई Mn2CO10 है तो KMnCO5 भाई, यहाँ पे KFeCO5 और भाई FeCO4 होगा सर, KFeCO4 और CO इवॉल्व कर जाएगा। इसके अलावा एल्काइंस को करता है, आपको पता ही होगा क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन आया ना, ये सब ऑक्सीडेशन। एल्कीन को करता है क्या? नो सर, वेरी गुड, करता है बेटा। सभी एल्कीन्स को नहीं करता, अब ये पढ़ने नहीं पढ़ाया तो मैं, नहीं नहीं सर ये पढ़ाया यार, मैं कॉन्जुगेटेड को करता है, टर्मिनल को करता है क्या? नहीं सर, बस उसमें एसिड का हाइड्रोजन वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, एसिड बेस होता है यहाँ पे, ऐसे आ जाएगा ठीक है, एंड फिर फर्दर एडिशन हो सकता है। तो ये मैंने कुछ रिड्यूसिंग एक्शन बताया, जल्दी से कर दीजिए। करिए मैं एक मिनट, है ना? और ठीक है बेटा, तब लास्ट में लिखिए भाई एबनॉर्मैलिटीज ऑफ लिथियम, वो है लास्ट में एबनॉर्मैलिटीज ऑफ ग्रुप 2, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो भाई जल्दी जल्दी बोलता हूँ भाई, पहले लिखिए कि लिथियम शोज एबनॉर्मैलिटीज ड्यू टू, लिथियम शोज abnormalities due to so lithium shows abnormalities with respect to other group members due to following reasons, due to following reasons, पहला small size, भाई small size, दूसरा भाई higher
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और भाई इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल, प्रेजेंस ऑफ ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल, और भाई नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल, ठीक है। अब भाई लिखते हैं एबनॉर्मैलिटीज, पहले तो मैंने लिखवाया कि रीजन क्या है ना, भाई एबनॉर्मैलिटीज में पहला लिथियम इज हार्डेस्ट अमंग ग्रुप वन मेटल्स, लिथियम इज हार्डेस्ट अमंग ग्रुप वन मेटल्स एंड हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट भाई लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव अमंग अल्कली मेटल्स, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव अमंग अल्कली मेटल्स, टुवर्ड्स मोस्ट केमिकल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, टुवर्ड्स मोस्ट केमिकल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, रिपीट द सेकेंड पॉइंट, देखना क्या मैं खुद ही भूल जाता हूँ यार क्या लिखवा रहा हूँ। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ रिएजेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, और नेक्स्ट लिथियम इज हार्डेस्ट तो लिखवाई दिया होगा, और है ना लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म Li3N, लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड Li3N, बाकी नहीं बनाते थे याद है, और भाई लिथियम इज नॉट रैपिडली अटैक्ड बाय एयर, lithium is not rapidly attacked by air and reacts by and reacts by only on heating, and do not loses its metallic luster, and do not loses its metallic luster in air, ठीक है, और भाई और मेटालिक लिस्टर वाली बात दिखा दी, भाई लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद एयर, लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद एयर, और भाई
LiOH, next, LiOH decomposes to Li2O on heating. Decomposes to Li2O on heating. But other hydroxides are thermally stable. Or okay. Next, lithium compounds are hydrated and are mostly deliquescent. Okay. और बेटे आपने ज्यादातर पढ़ी ली है, मतलब ऐसे कुछ है नहीं. Next, lithium carbonate decomposes on heating. याद है? Lithium carbonate decomposes on heating. Decomposes on heating. Next. Lithium nitrate gives Li2O directly on heating. Li2O directly on heating. ठीक है. और भाई ठीक लग रहा है. नेक्स्ट भाई ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Li प्लस एंड हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी एंड हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी LiCl undergoes LiCl undergoes by hydrolysis in hot water. Hydrolysis in hot water in hot water or a LiH, CO3 do not exist in solid state. LiH, CO3 do not exist in solid state. Or Li2SO4 do not participate in alum formation. Li2SO2. ऐसा फोर बेटा ऐसा टू नहीं होता है. राइट टू ऐसा फोर डू नॉट पार्टिसिपेट इन एलम फॉर्मेशन. अब कितने हो गए? 14. देयर वाज द 12th वन. 12th वन होता है यार. अब बताओ ना. ठीक है, जाने देते हैं. ओके बच्चों, तो ये बच्चों ठीक है. अब देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्रुप वन मेटल्स. भाई कार्बन रिडक्शन नहीं लेते बेटे, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है. मतलब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल बहुत हो जाती है, तो कार्बन रिडक्शन नहीं लेते. मेटल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं लेते, क्योंकि भाई ग्रुप वन मेटल्स आर देमसेल्फ हाईली मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. ठीक है भाई. इसके अलावा भाई ज्यादातर मेटल डिस्प्लेसमेंट किया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन में लेते, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस डिस्चार्ज होगा, H2 डिस्चार्ज होगा. ठीक है, तो कैसे लेते हैं भाई? हमें सिलेबस में नहीं है पढ़ना, तो हम बस मेथड की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स, बाकी हमें सोडियम पोटेशियम इन सब की भाई मोल्टन सॉल्ट्स और फ्यूज्ड सॉल्ट्स इनकी प्रिपरेशन है नहीं, तो मैं बताऊंगा भाई.
बच्चों कॉपी कर दीजिए. सर पहला वाला रीजन सर हमने क्यों रॉन्ग बोला, नहीं कर सकते पहले वाला मतलब कार्बन रिडक्शन और रिडक्शन में. भाई मैंने बताया ना कि अभी तो आपने क्या सुना, आपने कुछ सुना? मैंने जो आपको सुनाया नहीं दिया अच्छी क्लियरली आपने बोला कि इसलिए मैं आपको ओके बेटा. तो मैंने ये बोला कि भाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो होती है वो बहुत हाई होती है. कॉस्ट ऑफ फ्यूल. यस बेटा. थैंक यू सर. ओके बेटा. सर एक बार थर्ड वाले का भी रीजन बताएंगे क्या? बेटा आप बताइए आपको क्या लगता है. नहीं सुना इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, नहीं सुन पाया. नहीं सुन नहीं पाया कोई बात नहीं बेटे, अपना सोच के बता दो. अपने इलेक्ट्रोलाइसिस पर सर H2O रिड्यूस होगा ना, Na+ होगा ही नहीं सर. अरे देखो भाई ने मतलब एकदम है ना बजूका से मार दिया एकदम से. तो यही मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे H+ डिस्चार्ज होगा कैथोड पे तो जाएगा, H2 बनेगा और Na+ वगैरह नहीं जाएगा. हाँ मेरे साथ नहीं भूल गया मैं. कोई बात नहीं बेटे अब ये याद आ जाएगा. बच्चों उठा दूं? यस ठीक है. अब देखिए भाई हमने ये कर लिया और भाई अब देखिए थोड़े जनरल कंपाउंड्स आते हैं. जनरल कंपाउंड्स में भाई हाइड्राइड्स तो हम कर चुके हैं ठीक है, भाई ज़्यादा नहीं करेंगे कंपाउंड्स बेटे. साथ साथ एल्कली मेटल्स और हाइड्राइड्स वी हैव डन. वैसे एम प्लस एच टू एम एच फॉर्मेलिटी है हाईली बेसिक हाईली रिड्यूसिंग सॉल्ट लाइक और आयनिक हाइड्राइड्स इनको बोलते हैं. गिव एच टू एट एनोड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ठीक है. और देखिए भाई रिड्यूसिंग एक्शन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, TiCl4 NaH रिड्यूस करता है टाइटेनियम प्लस NaCl और H2 इवॉल्व होता है. इसके अलावा हाइड्राइड्स में कुछ नहीं देखेंगे यार. ऑक्साइड्स भाई हाईली बेसिक आयोनिक वाटर सॉल्युबल और भाई बेसिक स्ट्रेंथ एम टू ओ ग्रुप वन का एम ओ ग्रुप टू से ज़्यादा होता है ठीक है. बट अब देखिए इस पर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यूज्ड इन लाइनिंग ऑफ फर्नेस, मतलब देखिए क्या होता है कि फर्नेस में एसिडिक ऑक्साइड्स बनती हैं सिलिका SO2 सल्फर के कंबशन से आर्सेनिक ऑक्साइड नॉल. तो हम मेटल ऑक्साइड से लाइन करते हैं मतलब फर्नेस को, मतलब उसको तो ऐसे लाइनअप लाइनिंग करी जाती है उसकी. तो ग्रुप वन वाले ज्यादा बेसिक होने के बाद भी नहीं करते हैं, ग्रुप टू वाले से करते हैं, मोस्टली कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं. तो ऐसा क्यों ये भाई मैंने पूछा, ये अच्छा सवाल है मतलब थोड़ा फैक्चुअल सवाल है, मतलब अच्छा है और फैक्चुअल है. तो कॉपी कर लीजिए, अगर कोई बच्चा बता सकता है तो कोशिश करिए जरूर. So, production of group 2 oxides is easier than group 1 oxides. Like, group 2 oxides को directly carbonates को heat कर सकते हैं. Factual है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम dead मतलब है, मतलब dead नहीं है. थोड़ा और सोचिए. Sir, lining exactly मतलब क्या है? भाई ये furnace है, इसपे line ऐसे कर दिया, इसपे paint कर दिया, उसको पोत दिया जो भी है ना. सब ग्रुप टू वाले जो लाइक कार्बोनेट्स जैसे कंपाउंड्स बनेंगे दे विल बी अनस्टेबल एंड देन दे विल अगेन डिसोसिएट. बेटी नहीं नहीं देखते हैं बेटी, देखते हैं आपका नाम मानवी. मानवी देखते हैं बेटी. एसिडिक स्ट्रेंथ का रिलेशन तो नहीं है कि ग्रुप टू ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है ग्रुप वन से, एंड जो भी एसिडिक गैसेस ही निकलते हैं फर्नेस में तो रिएक्ट नहीं करेंगे.
बेटा देखते 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 हैं। ओके सर। क्या कहते हैं हटा दूं? यस सर। यस सर। ओके तो देखिए मतलब मैं पहले तो बताता हूँ कि करता क्या फर्नेस में भाई एमओ ग्रुप टू ऑक्साइड मोस्टली कैल्शियम ऑक्साइड है ना भाई इसको हम फ्लक्स की तरह यूज करते हैं। फ्लक्स क्या होता है? एडेड इम्प्यूरिटी जो कि गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करे और CO2 भाई SO2 सिलिका फॉस्फोरस भी कई बार बन के P410 आ रहा होता है और S2O5 मतलब और एसिडिक इम्प्योरिटीज। तो बेटे ये क्या होता है भाई MCO3 बनाता है, ये MSO3 बनाता है, MSIO3 और M3PO4 होल ट्वाइस, M3ASO4 होल ट्वाइस और इसे बोलते हैं स्लैग है ना भाई जो बनता है। बट देखिए एक्चुअली रीजंस क्या है मतलब भाई एक तो MP जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड लैटिस बेटे फर्नेस में क्या होता है हाई टेम्परेचर होता है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड लैटिस एनर्जी जो है वो M2O की कम है और MO की ज़्यादा है भाई यहाँ पे +2 -2 चार्ज होने की वजह से हाई लैटिस एनर्जी करेंगे तो ये रीज़न है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। और दूसरी बात बेटे इसी वजह से ये कैटायन स्टेबलाइजेशन की वजह से वेपर प्रेशर जो होता है भाई वेपर प्रेशर भी M2O का भाई M2O का ज़्यादा होता है MO का कम होता है तो अगर वेपराइज होगा भी तो M2O की वजह से बॉयलर एक्सप्लोड होना फर्नेस एक्सप्लोड होना इस तरह के इंसिडेंसेस हुए भी हैं मतलब है ना पहले मतलब और इसी को अवॉइड करने के लिए MO लिया जाता है। तो लिख दीजिए थ्योरिकल बात थी मतलब है ना तो लिख दीजिएगा कि भाई ग्रुप टू ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल। बेटे रिफ्रैक्टरी मटेरियल वही होता है जो हाई टेम्परेचर को स्टैंड कर सकता है अलग अलग प्रोसेस में यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल और फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस Because of their high melting point, because of their high melting point, and low vapor pressure. छोड़ दूँ Yes, sir. और अब भाई हमने क्या पढ़ लिया हमने कुछ पढ़ लिया ठीक है ऑक्साइड के बारे में इतनी बात करेंगे हाइड्रोक्साइड्स भाई वाटर सॉल्युबल हाईली बेसिक ठीक है और वाटर सॉलिबिलिटी भाई डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन बेसिक स्ट्रेंथ भाई पोलराइजिंग पावर कम होगी तो इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन नहीं क्यों मेरे दिमाग में डिक्रीजेस देख देता हूँ पार इंक्रीजेस ही है बेटे सॉरी इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन और भाई बेसिक स्ट्रेंथ भी ऐसे ही है। अब देखिए क्वेश्चन इससे बनता है कि अगर NaOH और KOH का सैंपल है इसे ओपन रखा जाए केप्ट ओपन तो कंसंट्रेशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली ऐसा क्यों
बहुत सिंपल होता है CO2 absorption की वजह से बेटे भाई मतलब ये क्या होता है MOH plus CO2 M2CO3 और H2 बन रहा होता है इस वजह से ठीक है तो ये बात बता दी मैंने और भाई ठीक है ज़्यादा नहीं इसके अलावा मेटल नाइट्रेट्स देखिए भाई MnO3 तो इसके बारे में भाई हीटिंग इफेक्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ हीटिंग इफेक्ट अपने आप से भाई हाफ पेज अपने आप से लिखिएगा बेटे मतलब मैंने मल्टीपल टाइम्स बता दिया हाफ पेज छोड़ दीजिएगा लीव हाफ पेज और अपने आप से लिखिएगा कि LiNO3 डायरेक्ट हो जाता है बाकी में क्या होता था 800 से ऊपर ऑक्साइड मिलता था अदरवाइज नाइट्राइट मिलता था ठीक है इसके अलावा MnO3 अगर M से रिड्यूस कराया तो M2O plus N2 अगर जिंक NaOH या भाई एल्यूमिनियम NaOH से कराया तो अमोनिया रिलीज होगा Yes, particles. Bachcho. Noted, sir. ठीक है. ठीक है भाई नाइट्रेट्स के बारे में कुछ खास नहीं नाइट्राइट्स और नाइट्राइट्स में पहले प्रिपरेशन भाई बाय हीटिंग मेटल नाइट्रेट्स भाई MnO3 हीट करते हैं तो MnO2 प्लस हाफ ओ टू आता है और एम इज नॉट लिथियम लिथियम में हमें पता है कि लिथियम में क्या होगा डायरेक्टली एल आई टू ओ एन ओ टू और ओ टू आ रहा होगा ठीक है दूसरा होता है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट बाय कोक और जिंक एक्सेट्रा तो देखिए एम एन ओ थ्री बड़ी ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एम एन ओ टू प्लस सी ओ और सी ओ टू बेटे ये सी ओ बनेगा कि सी ओ टू ये मैं आपको मतलब मेटलर्जी अगर मैं पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा एलिंगम डायग्राम के थ्रू और अगर भाई दूसरी टीचर ने किसी ने कराया तो वो कराएंगे बट आपको पता लग जाएगा कि सी ओ के सी ओ टू मैं सी ओ टू लेकर आऊँ भाई कोक से रिड्यूस करा जिंक से करा तो क्या आएगा MnO2 plus ZnO आ जाएगा भाई इसके अलावा KOH और NO ये रट्टा मार रिएक्शन है कुछ भी नहीं है इसमें कंसेप्ट ऐसा कुछ खास क्योंकि ये तो न्यूट्रल ऑक्साइड है रिएक्ट नहीं करना चाहिए लेकिन रिएक्ट करता है KNO2 N2O और H2O बनता है ठीक है बच्चों तो भाई ये नाइट्राइट्स का मैंने बेसिक प्रिपरेशन बताया पहले कर लीजिए Yes, we do. Yes, okay. अब भाई क्या बचा? अच्छा लग रहा है.
मेटल सल्फेट देख लेते हैं, सल्फेट्स सो नाइट्राइड्स में सिर्फ प्रिपरेशन ही था बस यार, ज्यादा नहीं। अब ये हम जनरल कंपाउंड कर रहे हैं ना, मेटल सल्फेट्स भी ज्यादा नहीं बेटे, यहां पे प्रिपरेशन भी नहीं ले रहे अभी। सॉल्युबिलिटी Li2SO4 भाई, Na2SO4 बड़ा एनायन है, K2SO4 और सबसे कम सीजियम, और भाई इसमें एक ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रुप वन मेटल सल्फेट और ग्रुप टू दोनों बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर कार्बन रिडक्शन करा जाए कोक, तो बेटे ये देते मेटल सल्फाइड प्लस CO और CO2, ठीक है, और जैसे M2SO4 प्लस कोक, तो ये क्या आएगा, M2S प्लस CO2। बेरियम सल्फेट प्लस कोक क्या आएगा, बेरियम सल्फाइड प्लस CO2। देखिए जनरल कंपाउंड हमने कर लिए, अब हम भाई पहला कंपाउंड शुरू करेंगे। ज़्यादा कंपाउंड नहीं है इसमें, NaOH, Na2CO3, हाइपो, तो चार एक कंपाउंड है, ज़्यादा नहीं है काफ़ी, मतलब जैसे 15 ग्रुप 15 में बहुत कंपाउंड है पी ब्लॉक में, तो इसमें इतने नहीं है, ये कॉपी करिए। NaOH शुरू करेंगे, NaOH हमने काफ़ी कुछ कर भी रखा है पहले वैसे। मैंने लिखते हुए यही बोला कि बड़ा अनायन है, तो नीचे जाएंगे तो कम होगी। साथ ही तो NaOH के प्रिपरेशन कुछ पड़े हैं कभी, कैसे बनाएंगे NaOH? देखिए कॉस्टिक सोडा बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रिपरेशन पहले है भाई कॉसेज और कॉस्टिसाइजिंग प्रोसेस, और तो कुछ नहीं है, Na2CO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, इंडस्ट्री ये लिया जाता है, बाकी बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है यार ये। यहाँ पे क्या होगा CaCO3 YPPT, और यहाँ पे क्या होगा PaCO3 YPPT और NaOH, ठीक है। तो ये क्या है, लाइम वाटर, और यहाँ पे बैरेटा वाटर, ठीक है। इसके अलावा भाई एक है लोबिक्स प्रोसेस, और इसमें Na2CO3 और Fe2O3 भाई बहुत हाई टेम्परेचर पे हीटेड टू रेडनेस, और भाई NaFeO2 प्लस CO2 आता है, और NaFeO2 प्लस H2O, NaOH प्लस Fe2O3, और ये रिसाइकल। ये लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट मेन मेथड जो है वो लिखता हूँ। सर एक डाउट है वो गॉसेज प्रोसेस में, सर उसमें लाइक हम लोग वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस कैसे बना रहे हैं? क्या बात है, आपका नाम बताइए। जय जय मेरे बच्चे, जो तू पढ़ता है ना कि एसिड बेस रिएक्शन शिफ्ट टू द साइड हैविंग वीक एसिड एंड वीक बेस, वो बेटे वो सारे इक्विलिब्रियम के लिए ट्रू नहीं होती है, पांडे को बताना चाहिए था। मैं बता देता हूँ कि होमोजेनियस फेज एसिड बेस रिएक्शन के लिए ही ट्रू होती है, वो हेटरोजेनियस फेज एसिड बेस रिएक्शन में इट इज फेज चेंज विच कंट्रोल्स द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रिया, बात समझ रहा है? तो ये प्रेसिपिटेशन होने की वजह से सामने की तरफ चला जाएगा, मतलब और बहुत सारे केस है बेटे, तूने पूछा है तो मैं तेरे को बता देता हूँ भाई। जैसे मान ले मतलब AG का ले लें हम, भाई AgNO3 ले लें, तो इसमें H3PO4 डालते हैं, तो क्या होता है AG3PO4 का येलो PPT आ जाता है,
और भाई HNO3 बन जाता है। तो अब ये तो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जय वो बात सिर्फ तभी सही होती है जब सबका फेस सेम है, जब होमोजीनियस फेस एसिड बेस रिएक्शन है, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया है। अगर हेटरोजीनियस फेस एसिड बेस रिएक्शन है तो वो मतलब भाई फेज कंट्रोल करेगा, जिधर प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा जिसका केस भी कम होगा उस साइड की तरफ जाएगा। जय और भाई ठीक है तो ये जाने देते हैं बच्चों, कर लिया ना? यस सर। और अब देखिए मेन मेथड ये दोनों नहीं है, मेन मेथड मैं बता रहा हूँ वो है, और भाई बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एनिसिल और ब्राइन सॉल्यूशन। और देखिए एक्वस NaCl अगर है तो आयंस प्रेजेंट कौन कौन से हैं भाई? Na प्लस है, Cl माइनस है, वाटर के आयोनाइजेशन से H प्लस और OH माइनस भी थोड़ा थोड़ा होगा। अब देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है, मतलब कुछ मुश्किल नहीं है। एट का थोड़ भाई कौन जाएगा? H प्लस जाएगा, और क्या डिस्चार्ज होगा? H2 एट कैथोड, ठीक है। एट एनोड कौन जाएगा भाई? OH माइनस तो जाने से रहा, Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी बेटे, तो Cl2 और दो इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कहीं भी NaOH तो प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा, बात समझ रहे हो? लेकिन होगा क्या, धीरे धीरे ये जा रहा है, ये जा रहा है, सॉल्यूशन क्या होगी भाई? मतलब यहाँ पर NaOH में रिच हो जाती होगी। इसमें देखिए भाई मतलब प्रिकॉशंस जो लेने होते हैं, एक तो एनीवेज मैं क्या बता रहा था भाई कि इसमें भाई प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है भाई। प्रिकॉशंस में H2 एंड Cl2 मस्ट नॉट मिक्स टुगेदर, क्योंकि भाई दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, गेटिंग इट? दूसरी बात, NaOH एंड Cl2 शुड नॉट भाई मिक्स टुगेदर, क्योंकि हम NaOH का रिएक्शन अभी देखेंगे नॉन मेटल्स के साथ, ये भी रिएक्ट करता है एक्सप्लोसिवली और डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है। देखिए दिस इज इम्पोर्टेंट, लोविक्स को आप भूल सकते हैं यार, कोई इशू नहीं है। गॉसेज तो ऐसा है कि आपको नहीं भी याद हो तो आप देख के कर सकते हैं, अगर रिएक्शन कभी आ जाए समझ रहे कि ये इससे NaOH बनेगा क्या? हाँ बनेगा, ये मेथड है इम्पोर्टेंट मेथड। बच्चों समझ में आती बात? यस सर। हाँ लिख लीजिए मेरे बच्चों। थैंक्स सर। बच्चों यस यस सर। एक मिनट और भाई अब देखिए भाई इसमें एक होता है नेल्सन्स सेल और बकवास की बात है वैसे, पोरस डायग्राम सेल, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस H2 और Cl2 के पैसेज को हमने सेफ कर दिया तो नाम ये दे दिया। मैं बेटे एक भी
डायग्राम इसमें नहीं बनाऊंगा, फालतू है, मतलब ना जेई में कभी ऐसे आता है कि डायग्राम बनाओ इसका, या मतलब डायग्रामेटिक क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो बोर्ड के लिए वो आप मतलब एनसीईआरटी वगैरह में देख सकते हैं अगर दिया हो तो, बाकी अगर नहीं दिया हो तो उसके लिए भी इग्नोर है। तो इसमें बस डिटेल इतनी है कि परफोरेटेड भाई यू शेप्ड स्टील ट्यूब दी जाती है लाइंड विद एस्बेस्टोस, और भाई इसको हम कैथोड ले लेते हैं, और ये फिर क्या करता है कि मतलब ये एच टू एब्जॉर्ब कर लेता है, तो टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ एच टू एंड सी एल टू, ठीक है। और इसमें भी वही होना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ रिएक्शन लगानी है। एट एनोड भाई टू सी एल माइनस गोज टू सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, एट कैथोड भाई टू एच प्लस गोज टू एच टू, और भाई टू एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और एक्वस एन ए सी एल लेंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस मेक्स सोल्यूशन रिचर इन एन ए ओ एच ग्रेजुअली, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो एक काम करते हैं, इतना ही करते हैं, हमने आज एनएएच का प्रिपरेशन करा, नेक्स्ट क्लास में ग्रुप वन खत्म हो जाएगा, ग्रुप टू बहुत छोटा है, तो फिर ग्रुप टू और उसके बाद पी ब्लॉक द माउंटेन शुरू होगा, ठीक है बच्चों। तो बेटे प्रैक्टिस का क्या चल रहा है ये बताओ, कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या सर? प्रैक्टिस प्रैक्टिस कोऑर्डिनेशन कर लिया पूरा, बुकलेट तो हो गई थी आई गेस। यस सर। तो उसमें सब्जेक्टिव एक्सरसाइज करना है, कर लोगे तो यार सर सब्जेक्टिव की जगह वो कर ले, क्या कौन सी किताब है वो? हाँ अंकित अग्रवाल कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, हां बेटे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड जो है उसके लिए भी अंकित अग्रवाल भाई मतलब करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए बुकलेट में मिक्स्ड है क्वेश्चन हाइड्रोजन के, अलग से नहीं है, ठीक है। तो उसमें से कर लीजिए बेटा प्रैक्टिस, H2O2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। सर अंकित अग्रवाल का केमिकल बॉन्डिंग कर लेना भाई, आपके पास टाइम हो तो जरूर कर लीजिए, लेकिन टाइम ही नहीं है आपके पास तो कहां से करेंगे, है ना? हां सर मतलब वही सर। ओके बच्चों। सर ओपी टंडन भी अच्छी बुक है प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब अपने यार छत से फेंक दीजिए तो आपके 10 नंबर ऐसे बढ़ जाएंगे यार। ओपी टंडन बहुत गलती है, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया ओपी टंडन शोपी टंडन। देखिए बच्चे मेरे से कई बार मैसेज करके पूछते हैं कि हम ये किताब कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इंडिया आजाद है, आप है ना कुछ भी कर सकते हैं। बुरी से बुरी किताबें है मार्केट में जिसमें 70% मतलब आंसर गलत है, वैसी किताबें भी है, वाधवा वाधवा आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बेस्ट किताब जो इंडिया में फॉलो हो रही है वो बताई है, अंकित अग्रवाल, है ना? तो आप जो जो करना चाहे आप करिए बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट वही है, ठीक है बेटे? Got it, sir. Okay, बेटे, thank you. सर, आप कोऑर्डिनेशन के लिए एक डाउट सेशन का भी लगा सकते हो बेटे, लगाएंगे को नहीं है। हाँ बेटे वेडनेसडे को तुम्हारा कोई पेस है क्लासेस कल? बट डाउट सेशन अरेंज किए उन्होंने। यस सर, नॉर्मल। आप ग्रुप पे डिसाइड कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, है ना बेटे? सर एक्चुअली कल कॉलेज प्रैक्टिकल्स है तो कॉलेज जाना है सर, तो 4:30 के 5:00 के बाद ही रख सकते हैं प्लीज। 6:00 तक प्रैक्टिकल्स नहीं तो फिर कल नहीं रखते ना बेटे, ऐसा कोई फाइट नहीं है, फिर आगे रखते हैं थोड़ा, है ना? इस वीक में रखेंगे, जब आप लोग कहेंगे तब रखेंगे फिर, है ना? ओके सर, ठीक है बेटे। जब पूरा हो जाए चैप्टर तब एनसीईआरटी, मतलब आप क्या करिएगा बेटे, मैं आपको कहता हूँ कि जो मतलब एनसीईआरटी पढ़ने का, एनसीईआरटी भी रैंडम ऐसा नहीं है कि आपने पढ़नी शुरू करी रैंडम, मतलब पहले चैप्टर पूरा हो जाने दीजिए, फिर जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे मतलब तब एनसीईआरटी से भी शॉर्ट नोट बना दीजिए थोड़े से, उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं होगा, है ना? मतलब बहुत थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा बस, ठीक है बेटे? और जो एक्स्ट्रा होगा आप इसको देख के बताया जाएगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, फैक्चुअली एकदम बातें होंगी, राइट बच्चों? गुरु नानक के लिए वी हैव हॉलीडे ऑन फ्राइडे, ओके। मतलब मिस्टर कारिया मैं आपका नाम पहला वाला पढ़ना भूल गया, फर्स्ट टाइम, तो बेटे फ्राइडे इज गुड फॉर मी, लाइक आई हैव नो प्रॉब्लम, है ना? तो फ्राइडे रख सकते हैं म्यूचुअल कंसेंट से, हम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे एक बार, है ना बच्चों? चलो
मस्ती बच्चों नेक्स्ट क्लास में स्टॉक खत्म क्या मतलब करने की कोशिश कर दूंगा यार बताओ ना अच्छा ओके सर आपने बर्ड रिडक्शन के बारे में कहा था वो आप कह सकते हैं मतलब शायद नहीं करवाया था ऑर्गेनिक में बेटे मैंने ही बताया था कि एल्कीन्स रिड्यूस होती हैं बट कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स ही होती हैं तो आप कभी डाउट सेशन में अगर अलग से मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बेटे बता दूंगा वो राइट हां सर और एक और चीज M2S यूजिंग सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ डायनाइट्रो कंपाउंड्स ये भी शायद नहीं बताया गया अमीन्स हो गया क्या अमीन्स करा दिया हां यस सर बेटे डायनाइट्रो कंपाउंड में Na2S एक्वस से इसको रिड्यूस करते हैं तो कोई मैकेनिज्म तो बहुत अच्छा कोई नोन नहीं है बट एक NO2 रिड्यूस हो जाता है मतलब ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा इस यही था मतलब और कुछ नहीं है इसके लिए आप NH4 twice SX भी यूज करते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड ये भी यूज करा जाता है राइट बच्चे ओके थैंक यू सर ओके बेटे सर मुझे एक छोटा डाउट था वो सॉल्वेंट इलेक्ट्रॉन अमोनिया सॉल्यूशन में उसमें आप बोल रहे थे कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और उसके लिए ब्राइट कलर सॉल्यूशन आता पर फिर एनर्जी अब्सॉर्ब करके मतलब कौन से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में भी नहीं जा रहे रैंडम मतलब ज़िगज़ैग मोशन के लिए दैट्स इट ऐसा सोच लो भाई वो तो किसी शेल से बाउंडेड नहीं है ना बच्चे हाँ सर फिर इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कोई भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता है मतलब कोई भी कलर दिखा सकता है ना फिर लेकिन लोएस्ट मतलब लोअर बहुत लो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ना तो इसीलिए ब्राइट कलर सॉल्यूशन आएगी भाई तो मतलब कोई फिक्स कलर नहीं है ब्राइट कलर सॉल्यूशन आती है डीप ब्लू ब्राइट कलर्ड अच्छा ओके सर ठीक है सर उसी NH3 वाले में सर M+ को NH3 सराउंड करेंगे दैट मतलब वो सेंस बनाता है बट टाइप पोलर अट्रैक्शन ओके सर इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्यों घेरेंगे बट बेटे वहां पे भी तो चार्ज है ना बच्चे वहां पे H डाइपोल का पॉजिटिव एंड करेगा नेगेटिव एंड करेगा ओके सर ठीक है पार्टिकल्स चलो एक और क्लास है मेरी हेलो सर एक लास्ट डाउट था सर वो हाई कंसंट्रेशन में वो ब्रॉन्ज से जाता है फेब्राइट से मतलब उसमें क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन की हाफ लाइफ ज्यादा होगी तो मतलब वहां पे मतलब मेटल पे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है वैसा आने लगेगा इसीलिए ब्रॉन्ज कलर आ जाता है मेटल भी ऐसे होता है ना मेटालिक क्लस्टर ब्रॉन्ज टाइप ओके ठीक है सर थैंक यू